हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया था। अब हम एग्जांपल थर्ड देखते हैं, शो बाय द यूजेस ऑफ रेकरेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो पार्ट फर्स्ट देखो। जे नोट डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू जे टू एक्स माइनस जे नोट एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि जे नोट डबल डैश एक्स हमें कैसे फाइंड आउट हो सकता है। जब आपने रेकरेंस रिलेशन किए थे फंक्शन, तो उसमें जे एन डैश एक्स की वैल्यू थी हमारे पास। ये देखो, जे एन डैश एक्स की तीन वैल्यू गिवन थी हमें, तो हम तीनों वैल्यू ले गए और उसमें से फिर देखेंगे कि हम कैसे इस वाले फंक्शन को ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जे एन डैश एक्स है हमारे पास, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो रखा है, हमें सेकंड डिफरेंशिएशन करना है इसका। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जे एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें हम तीनों में से फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से किस इक्वेशन का यूज़ करें जो हमारे पास इस टाइप का आंसर फाइंड आउट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पैटर्न देखना पड़ेगा। इसका पैटर्न देखो, यहाँ हमारे पास जे एन माइनस एक्स है, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स है, बट हमें फंक्शन किस टाइप का चाहिए, 1/2 जे टू माइनस जे नोट एक्स का। ठीक है, इसके लिए अगर हम सबसे पहले ये वाला पैटर्न लेते हैं, ये वाली इक्वेशन जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एक्स इंटू जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एन बाहर ले लिया, 1/x इंटू जे एन एक्स, दो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन जे एन डैश एक्स हो गया, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन जे एन एक्स एज इट इज़ इंटू माइनस जे एन प्लस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जे एन प्लस वन का डैश इंटू एक्स। ठीक है, तो n क्या रखेंगे हम, n इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें जे नोट जे ज़ीरो डबल डैश x की वैल्यू निकालनी है, तो n को ज़ीरो रखोगे, n को ज़ीरो रखो जे नोट डबल डैश x आ जाएगा इक्वल टू माइनस, यहाँ ज़ीरो रखोगे तो पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो से, माइनस जे ज़ीरो रखो n की वैल्यू, ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगी, जे वन डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जे वन डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ जे एन की वैल्यू में, यहाँ से अगर मैं जे एन की वैल्यू में वन रखती हूँ, तो हमारे पास जे वन की वैल्यू आएगी, यहाँ वन रखो, जे वन डैश एक्स 1/x जे एन जे वन एक्स माइनस वन रखोगे जे टू एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये देखो यहाँ हम अब किस में वन वैल्यू रखे एन की, जो हमारे पास जे वन डैश एक्स की वैल्यू आए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका रिजल्ट देखो क्या गिवन है, जे नोट डबल डैश एक्स का रिजल्ट क्या है आपके पास, 1/2 की फॉर्म में है। अगर आप लोग यहाँ पे एन बाय एक्स वाली टर्म लेते हो, तो रिजल्ट क्या आएगा जे नोट डबल डैश एक्स का, एन बाय एक्स की फॉर्म में आएगा, पर हमें किस में चाहिए, 1/2 की फॉर्म में लेना है, तो जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 की फॉर्म के लिए हम थर्ड इक्वेशन लेंगे, तो एन की वैल्यू वन डाल देंगे यहाँ पे, तो जे वन डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 जे ज़ीरो एक्स माइनस जे टू एक्स आ जाएगा। डाल दो, जे नोट डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस जे वन डैश एक्स, यहाँ वैल्यू डाल दो जे वन डैश एक्स की, माइनस 1/2 जे नोट एक्स माइनस जे टू एक्स, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ये जे नोट एक्स टर्म माइनस की बन जाएगी, 1/2 बाहर ले लिया ये टर्म माइनस की, यहाँ लिख दी और जे टू एक्स पॉजिटिव बन जाएगी, सो दिस बन जाएगी। ठीक है, अब देखो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, सेकंड पार्ट देखो, ये आ गया, ये देखो हमें क्या प्रूव करना था कि जे नोट डबल डैश एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, जे वन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x जे टू एक्स माइनस जे वन एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो सेकंड पार्ट, जे एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, जिसके इक्वल आया था, ये देखो यहाँ से ये जे नोट जे एन डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, अब हमें किसकी निकालनी है, जे वन डबल डैश एक्स की, तो एन की जगह वन रख दोगे, पहले तो इसका एन की जगह वन रखो, इसको जे वन डबल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ वन रखोगे, यहाँ वन जे 1/2 एक्स स्क्वेयर जे वन एक्स प्लस 1/x जे वन डैश एक्स माइनस एन की वैल्यू वन रखोगे, तो जे टू
डैश एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो जे वन की, जे वन डैश एक्स की एंड जे टू डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जे वन डैश एक्स की वैल्यू, जे वन डैश एक्स की वैल्यू हमें वन बाय एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से हम वन बाय एक्स वाली टर्म लेंगे। तो वन बाय एक्स वाली टर्म कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। अगर मैं एन की वैल्यू वन रखती हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, वन, यहाँ वन बाय एक्स, जे वन एक्स माइनस जे टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ वन रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, जे वन डैश जे टू रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जे वन और जे टू की वैल्यू निकालनी है, तो जे टू डैश एक्स इज इक्वल टू जे टू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन, तो जे वन एक्स माइनस टू बाई एक्स जे टू एक्स, ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। ये देखो यहाँ से जे वन और जे टू की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करोगे, यहाँ जे वन और जे टू की वैल्यू डाल दो, जे वन डैश एक्स की वैल्यू डाल दो और जे टू डैश एक्स की वैल्यू डाल दो। ये डाल दी, यहाँ से ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, वन बाई टू, सॉरी माइनस वन बाई एक्स जे टू एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी माइनस, सॉरी यहाँ से देखो अगर वन बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, वन बाई एक्स फिर जे वन एक्स, यहाँ पॉजिटिव का यहाँ नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। अब वन बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स जे टू एक्स माइनस जे वन एक्स माइनस टू बाई एक्स जे टू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जे वन डबल डैश एक्स इक्वल टू दिस टर्म के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है, फोर जे नोट ट्रिपल डैश एक्स प्लस थ्री जे नोट डैश एक्स प्लस जे थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखो, डिफरेंशिएशन जे डबल डैश एक्स का हमें पता ही है, ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे एन एज इट इज़, यहाँ यू इन टू वी लगा दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू पावर ऊपर आ जाएगी एक्स की क्यूब जे एन एक्स एज इट इज़ माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ जे एन एक्स का जे एन डैश एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर जे एन डैश एक्स एज इट इज़ प्लस वन बाई एक्स जे एन डैश एक्स का जे एन डबल डैश एक्स, ठीक है, उसके बाद माइनस जे एन डबल डैश एन प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, इक्वेशन सेवन। अब एन की वैल्यू ज़ीरो रख दो, ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगा, ये पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, यहाँ से क्या बन जाएगा, ज़ीरो रख दो जे वन डबल डैश एक्स, ये आ गया जे नो ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू दिस के, ठीक है। यहाँ से जे वन डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे, जे वन डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल के, जे वन डबल डैश एक्स की वैल्यू हमें निकाली थी अभी, ये देखो जे वन डबल डैश एक्स की वैल्यू ये निकाली थी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके अब क्या करोगे, एन की वैल्यू वन और टू डाल दो, ठीक है, एन की वैल्यू वन और टू डालोगे कहाँ, ऊपर उसी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड में तो फर्स्ट वन डालोगे एन की वैल्यू और फर्स्ट में टू डालोगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से जे वन डैश एक्स और जे टू डैश एक्स की वैल्यू डाल दो, ये डाल दी, यहाँ से ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव की ये पॉजिटिव की कैंसिल हो जाएगी टर्म, यहाँ से क्या बचेगा देखो, माइनस वन बाय टू जे टू एक्स प्लस टू बाय एक्स जे टू एक्स माइनस जे थ्री एक्स, ठीक है, जे जीरो डबल ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस हैंस प्रूव्ड, ठीक है। पर हमें क्या करना है देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आया, जे नोट ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू दिस के इक्वल आया, बट हमें क्या निकालना है, फोर जे नोट ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करोगे देखो, अब हमें क्या देखना है, ये देखो हमारा रिजल्ट किस टाइप का है, इस टाइप का, तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ फोर आना चाहिए, यहाँ फोर कैसे आएगा, अगर हम ये वाला रेकरेंस रिलेशन लेते हैं, ये वाला, तब भी नहीं आएगा फोर, तो ये लेते हैं तब भी नहीं आएगा, और ये लेते हैं तब भी नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें रेकरेंस रिलेशन देखना पड़ेगा कि कौन सा ले हम रेकरेंस रिलेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेकरेंस रिलेशन जो लेंगे ना वो x बाय टू एन का लेंगे, ताकि हम जब n की वैल्यू टू रखें तो टू टू ज़ा फोर आ जाए, और फोर हमारा इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में भी,
ठीक है, तो हमने ये वाला रेकरेंस रिलेशन ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो j 2 x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें, ठीक है। तो j नोट ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू में हम j 2 x की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से ये j 2 x की वैल्यू डाल दी और j 3 x एज इट इज़ रखेंगे, ये वैल्यू डाल दी। तो अब क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 j नोट ट्रिपल डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगी, 3j1x माइनस j3x, क्योंकि ये देखो ये 4j3x है, यहाँ 3j3x है, 4 में से 3 माइनस हो गया तो माइनस j3x, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3j0 डैश x माइनस j3x, j0 डैश x इज इक्वल टू माइनस j1x के इक्वल है और n इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्के हैंस प्रूव्ड एग्जाम्पल पार्ट 4th, देखो इसका 4j(n)(x) इक्वल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, करो। डबल डैश की वैल्यू हमें पता है, 4th पार्ट देखो इसका, ये वैल्यू हमें पता है, हमें माइनस में वैल्यू लेनी है n माइनस वन में, तो n को चेंज कर देंगे n माइनस वन में, कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू निकाल दो। वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से n माइनस वन करोगे, यहाँ भी n माइनस वन करोगे, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस टू आ जाएगा, यहाँ माइनस वन करोगे, वन से वन कैंसिल आ जाएगा, जे एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब n को चेंज कर दो n प्लस वन में, यहाँ प्लस वन कर दो, यहाँ भी प्लस वन करेंगे, क्या आएगा, फिर यहाँ प्लस वन करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी जे एन प्लस वन की। फिर क्या करोगे, सब्सिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ जे एन माइनस वन डैश एक्स एंड जे एन प्लस वन डैश एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो दोनों की, किसमें, इसमें, यहाँ ये दोनों वैल्यू डाल दो, ठीक है, वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड एग्जाम्पल 4th देखो, हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ये फॉर्मूले है, ये आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। देखो d अपॉन dx इंटू x की पावर n जे एन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, x n जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर n जे एन माइनस वन की x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस के, ठीक है। सेम एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन करना है हमें जे 4x अपॉन x इंटू dx का इक्वल टू दिस के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो d अपॉन x की पावर माइनस एन जे एन एक्स इज इक्वल टू हमें पता है इसके इक्वल होता है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 रखेंगे, क्यों रखेंगे n की वैल्यू 3, क्योंकि हमें 3 में आंसर चाहिए जे 3x की वैल्यू, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 रख दो, यहाँ माइनस 3, यहाँ 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ भी 3 रखेंगे, ठीक है। फिर इसका क्या बन जाएगा, जे 4x, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, जे 4x अपॉन x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 3 एंड जे 4x इंटू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर का, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर अगेन कंप्लीट का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस, फिर इसका ये एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये कंप्लीट करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर माइनस 3 जे 3x, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, देखो यहाँ पावर माइनस 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 माइनस 2 1, एक्स की पावर माइनस 1, अगर अपॉन में ले जाएगी तो 1 बाई एक्स लिख सकते हैं हम, जे 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पावर 1, यहाँ माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 3 में से 1 पावर कर देंगे तो माइनस 2 पावर आ जाएगी, जे 3x dx प्लस c, ठीक है। माइनस 1 बाई एक्स जे 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 2 जे 2x प्लस c, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई एक्स जे 3x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वेयर जे 2x प्लस c। हैंस प्रूव्ड
थर्ड सेकंड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन जे थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस के इक्वल करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन प्लस सी, ठीक है। ये कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर पावर कैंसिल हो जाएगी ये एक्स की, जे टू एक्स बचेगा प्लस टू एक्स, इंटीग्रेशन अंदर वाले पार्ट्स का करेंगे, यहाँ एक्स की पावर वन, यहाँ एक्स की पावर माइनस टू, तो एक्स की पावर माइनस वन बचेगा, जे टू एक्स डी एक्स प्लस सी, माइनस जे टू एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स की पावर माइनस जे वन एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा, सी माइनस जे टू एक्स माइनस टू बाय जे वन एक्स, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो पार्ट, दिस इक्वल टू दिस के इक्वल प्रूव करना है हमें, ये देखो सेकंड पार्ट क्या बोल, थर्ड पार्ट क्या बोल, हमें क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस के इक्वल प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे, करो यहाँ से क्या करोगे देखो, ये वाली टर्म है, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, वन बाय टू एक्स स्क्वेयर जे टू जे नोट एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर जे नोट एक्स जे वन एक्स डी एक्स प्लस सी, हमें पता है कि दिस फंक्शन इक्वल होता है दिस के, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो डी बाई डी एक्स जे नोट एक्स आ जाएगा, माइनस जे वन एक्स आ जाएगा, एंड जे नोट डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस जे वन एक्स के, ठीक है। यहाँ वैल्यू डाल दोगे जे नोट एक्स की, जे वन एक्स की वैल्यू डाल दी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करोगे, हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन जे एन एक्स का क्या आता है, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स आता है, तो एन इज इक्वल टू वन डाल दो, क्या आ जाएगा, जे वन एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स जे नोट एक्स। फिर क्या करोगे, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, इस वाली टर्म को फर्स्ट में पुट कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया देखो, इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर दिया जे नोट एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करके इस वाली इक्वेशन को अब सोल्व कर देंगे, वन बाई टू एक्स स्क्वेयर जे नोट एक्स के प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जे वन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ जे वन एक्स है और यहाँ जे वन एक्स है, तो जे वन एक्स का स्क्वेयर अपॉन टू प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू जे नोट स्क्वेयर एक्स प्लस जे वन स्क्वेयर एक्स प्लस, हैंस प्रूव। फोर्थ डी पार्ट देखो, पुट ए एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे हम, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई ए डी टी, इंटीग्रेशन क्या था, दिस इक्वल टू दिस के प्रूव करना था, तो क्या करोगे इसमें इंटीग्रेशन में, वन बाई ए स्क्वेयर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन अंदर वाली टर्म का कर दोगे, क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी अपॉन डी टी टी जे वन टी डी टी, ठीक है। वन बाय ए स्क्वेयर टी जे वन, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के क्या कर दो, लिमिट पुट करोगे, वन बाय ए स्क्वेयर ए आर जे वन ए आर माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल, हैंस प्रूफ। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, एग्जाम्पल फिफ्थ में क्या बोल रखा है कि दिस इक्वल टू दिस के इक्वल प्रूव करना है हमें, ठीक है। और हमें जे नोट जे वन जे टू जे थ्री की वैल्यू निकालनी है, जो कि इक्वल वन के आएगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू दिस का करना है, हमें पता है कि जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू दिस के होता है, जे एन डैश एक्स इज इक्वल टू दिस के होता है, तो एन को चेंज कर देंगे, एन प्लस वन में इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, जे एन प्लस वन डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को एंड फोर्थ को, सब्सिट्यूट करके इक्वेशन को क्या आ जाएगी, दिस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जे वन जे एन की वैल्यू रखेंगे जीरो वन टू थ्री अप टू सेवन, ठीक है। जहाँ से हमें जे नोट जे वन जे टू जे थ्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उनको ऐड करेंगे तो, ठीक है। ये देखो यहाँ से जे वन जे टू जे थ्री की वैल्यू आ गई इक्वल टू जीरो के, अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगी टर्म इक्वल टू सी के। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दे, एक्स जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी जे नोट का स्क्वेयर प्लस टू जे वन का स्क्वेयर प्लस टू जे टू का स्क्वेयर प्लस अप टू सोन इक्वल टू सी के, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वन के इक्वल, ठीक है। तो दिस टर्म इक्वल टू वन, हैंस प्रूव। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.1, आप लोग ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।